दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 12 दिन तक बढ़ गई है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 18 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में ही रहने का फैसला सुनाया है। दरअसल शराब नीति केस को लेकर तिहाड़ जेल में बंद सिसोदिया की हिरासत आज खत्म हो रही थी, इसे लेकर ही उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था। इससे पहले मनीष सिसोदिया की तिहाड़ जेल से लिखी चिट्ठी में कल सामने आई थी। इसमें उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों से कहा था कि जल्द ही बाहर मिलेंगे। इसके अलावा 2 अप्रैल को उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई हुई थी, तब सिसोदिया ने कोर्ट से कहा था कि मुझे जेल में रखने से कोई फायदा नहीं है। दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मेरे खिलाफ जाँच पहले ही पूरी हो चुकी है। मेरी तरफ से जाँच में बाधा डालने या सबूत मिटाने की कोई संभावना नहीं है।